बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मज़ेदार सी आम की आइसक्रीम बना रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह फ्रीज करके आम आप जो है वो मज़ेदार सी बना सकते हैं आइसक्रीम। फ्रीज़ करने का क्या फ़ायदा है? फ्रीज़ करने का कुछ इस तरह फ़ायदा है कि आप ये छिलका जो है वो आराम से रिमूव कर सकते हैं। आपके छिलके के साथ कोई आम की जो पेस्ट है वो नहीं जाएगा, सिर्फ आपका छिलका जो है वो रिमूव होगा। देख सकते हैं आप, मैं इस तरीके से इसको नाइफ़ की मदद से जो है वो उतार रही हूँ सारे छिलके को। और इसका फ्रीज़ करने का ये फ़ायदा है, तो एक तो आपके जो है छिलके के साथ आधे से ज़्यादा जो ऐसे लगाते हैं उतारते हैं आम उसके साथ लग जाता है और ज़ाया हो जाता है। और ये आपको एक फ़ायदा है कि आप जो है इसको उतारेंगी और इस छिलके के साथ कोई आम वगैरह नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा छिलका उतरा है। एक और अभी आपको मैं फ़ायदा बताऊंगी कि जब आप ये इस तरीके से काटेंगी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से किस तरह साफ़ सुथरा जो है ये कटी रहा है। नीचे से जो आम की हड्डी है वो बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रही है। आप मुकम्मल तरीके से ये साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और टेस्टी और एक न्यू तरीके लेके आती हूँ आपके लिए। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर ना है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और आल पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। और देख सकते हैं आप इतनी साफ़ सुथरी जो आम की गुठली है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। कोई हमने एक ज़रा भी आम को ज़ाया नहीं किया। इस तरह दूसरी तरीके से जब हम आम काटते हैं तो आधे से ज़्यादा हड्डी के साथ लग जाता है, जो इसकी गुठली होती है उसके साथ लग जाता है। ये देख सकते हैं साफ़ सुथरी हड्डी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अभी हमने सारे आम को जो है वो काट लिया है। काटने के बाद हमने इसको इस तरीके से इस साइज़ में काटा है। देख सकते हैं आप, ब्लेंडर जग के अंदर डालेंगे और इसको करेंगे ग्राइंड। तो सबसे पहले जो है हमने ब्लेंडर के अंदर डालना है आम को। आम डालने के बाद हमने इसमें हसबे ज़रूरत हसबे टेस्ट चीनी ऐड करनी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी ऐड कर सकते हैं। मैं हाफ़ कप इसमें चीनी ऐड करनी हूँ। चीनी डालने के बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। और इधर मेरे पास व्हिप क्रीम है, आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं। मेरे पास केक की जो व्हिप क्रीम होती है वो है मेरे पास। इसको मैं अच्छे तरीके से बीट लूँगी। एक कप मेरे पास व्हिप क्रीम है, इसको मैं बीट करूँगी अच्छे तरीके से ताकि ये अपने साइज़ में दुगनी हो जाए। जब अच्छे तरीके से ये व्हिप हो जाएगी तो उसके बाद हमने जो बनाया है इसका मिक्सर वो भी हम आपको बताएँगे कि आगे क्या करेंगे। इस तरीके से हम आपको व्हिप करना बताएंगे। हमारी माशाल्लाह से क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, गुटलियाँ बनी हुई हैं उसकी बर्फ़ की, सही अच्छे तरीके से सही ठंडी चिल्ड है। और देख सकते हैं माशाल्लाह से दुगनी हो रही है। और जब अच्छे तरीके से ये व्हिप हो जाएगी तो फिर हम इसको कर लेंगे। देख सकते हैं आप, अच्छे तरीके से हमारी जो क्रीम है वो व्हिप हो चुकी है। अभी जो हमने पेस्ट बना के रखा था मैंगो का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं हमने कोई इसमें पानी नहीं ऐड किया, सिर्फ जो है ये पेस्ट है इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। और हाथों से थोड़ी देर मिक्स करेंगे, फिर हम थोड़ी देर बीट इसको करेंगे ताकि पूरी जो है वो मुकम्मल तरीके से ये हो जाए। तो अभी हम इसको बीट करना शुरू करते हैं। 2-3 मिनट हम इसको बीट करेंगे ताकि ये इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये अच्छे तरीके से सारी जो है बीट हो जाए। तो बहुत ही आसान है और अलग तरीका है बनाने का। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आम आजकल आम होए हुए हैं बाज़ार में, बहुत ज़्यादा आम आए हुए हैं और इतने महंगे भी नहीं हैं। बाज़ार से जो महंगी आइसक्रीम आप ख़रीदते हैं उससे बेहतर है कि बग़ैर केमिकल बग़ैर किसी जो है वो मिलावट के साफ़ सुथरी आइसक्रीम आप अपने घर बनाएं। देख सकते हैं आप, दुगनी जो है वो आइसक्रीम बन चुकी है, बॉल से जो है वो बाहर आना शुरू हो चुकी है। तो अभी हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक एयर टाइट डब्बे में, जिसको बंद करेंगे और एक रात के लिए हम इसको फ्रीज़र के अंदर रखेंगे। और उसके बाद हम इसकी लुक चेक करेंगे कि माशाल्लाह से किस तरह जो है वो हमारी आइसक्रीम बन के रेडी हो जाएगी। आप भी ज़रूर देखिएगा वीडियो को एंड तक ताकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से
जो है हमारी खूबसूरत सी क्रीम जो है वो पक के रेडी हुई है। तो माशाल्लाह एक दिन के बाद हम चेक करते हैं कि हमारी आइसक्रीम की क्या लुक आ रही है। तो देख सकते हैं इतनी अच्छे तरीके से क्रीम जो है वो हमारी जम चुकी है, देख सकते हैं आप। और अभी हम आपको काट के दिखाएंगे, नाइफ़ की मदद से काटेंगे कि किस तरीके से काटेंगे। और खाने में भी ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार सी, बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर जो है वो हमारी आइसक्रीम बन के रेडी हुई है। तो अभी हम इसको काट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। आज हम इस तरीके से कटिंग करेंगे, एक क्या कहते हैं केक की शक्ल में आपको कटिंग करके बताएंगे कि आप जिस तरीके से कटिंग करेंगे ये कटिंग हो जाएगी। तो आज हम इसको कोई गोल शेप में नहीं काट रहे हैं, हम इस तरीके से काटेंगे और मज़ेदार सी टेस्टी सी हमारी जो है वो रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त जो है वो इसका एक क्यूब्स बन के रेडी हुआ है। ये खाने में भी लाजवाब है और देखने में भी बहुत ही लाजवाब है। तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी बन के रेडी हुई है। आप भी बनाएं, बहुत ही बच्चों को बहुत पसंद आई है। बच्चे आजकल बहुत ज़िद करते हैं बाय की आइसक्रीम खाने को। तो आप अपने घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और कम बजट में आप अपने घर में साफ़ सुथरी आइसक्रीम बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी प्यारी और टेस्टी सी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और आल पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।